हो गया। थैंक यू भैया आपका आने का बहुत बहुत। प्रॉपर नाम? प्रिंस। प्रिंस भैया हमारे पास आए, कौन सी जगह से आए हो आप? लाजपत नगर दिल्ली। लाजपत नगर से आए हैं, बताओ। इतनी सारी, इतनी बड़ी मार्केट है वहाँ पर, और मूलचंद पूरा भरा हुआ है, और बड़ी सारी मार्केट है जिसपे ये सारे काम होते हैं। तो थैंक यू सर आपका बहुत बहुत। एक छोटा सा पूरी मार्केट घूमे थे मूलचंद और लाजपत नगर की। आज की जो गाड़ी रहने वाली है ये सेम ब्रेजा का ZXI मॉडल है, और ZXI के अंदर आज हमने पूरा काम कर दिया है। और टॉप मॉडल था गाड़ी के अंदर, बहुत सारे काम नहीं थे, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो इसके ऊपर, इसके हिसाब से हमने प्रॉपर पूरी गाड़ी रेडी कर दी है। सो फ्रंट के अंदर जो स्किड गार्निश इसमें लगी हुई आती है, और टॉप मॉडल की जो हेडलाइट्स है वो भी इसमें लगी हुई आती है। फ्रंट के ऊपर हमने ग्रिल गार्निश इसके ऊपर इंस्टॉल करी है। टॉप मॉडल की अगर आपको हेडलाइट भी अगर अपनी गाड़ी में लगानी है, LXI या VXI गाड़ी में, तो उसका मैंने आपको प्राइस मैंने पुरानी अपनी वीडियो में दिखाया था, बताया था कि सिर्फ 28,000 रुपये में आप ये मेरे से डुअल प्रोजेक्टर की हेडलाइट इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर ये वर्किंग इंडिकेटर है, और डबल इसमें इंडिकेटर वो आते हैं, DRLs आती हैं। सो सेम 28,000 रुपये में विदाउट बिल प्रोडक्ट है, और बट मिलेगा आपको जेन्युइन। LXI VXI के अंदर आपने ऐसी लाइट्स लगवानी तो बिल्कुल आप 28,000 में लगवा सकते हैं। फ्रंट की जो ग्रिल गार्निश है ये 690 रुपये प्राइस है, और 20% का डिस्काउंट होता है। फ्रंट और रियर की स्किड गार्निश LXI VXI में लगाना चाहो आप लगा सकते हैं, उसकी 2,000 रुपये कॉस्ट रहती है। फॉग लाइट इसके अंदर नहीं लगी हुई, फॉग लाइट लगाना चाहो तो उसकी भी 6,000 रुपये कॉस्ट है, और 6,000 रुपये के अंदर 20% का डिस्काउंट होता है। फॉग लाइट के ऊपर इसका बेजर लगता है, 650 रुपये का प्राइस है, सेम 20% का डिस्काउंट रहता है उसके ऊपर भी। साइड प्रोफाइल के अंदर हमने फेंडर गार्निश इसके ऊपर लगाई है, जिसमें 290 की इसकी MRP होती है, सेम 20% का डिस्काउंट रहता है। अलॉय व्हील ZXI में लगकर आते हैं, अगर आपने अपनी गाड़ी में लगाना है LXI VXI में तो वो भी आप इंस्टॉल करा सकते हैं। टायर के पीछे फ्लैप लग गए, साइड की बेडिंग इसमें लग गई, और जो इसके अंदर ये साइन दिया है वो माउंटेन का, इसकी एक ओरिजिनल की पहचान है कि हाँ ये जेन्युइन पार्ट है ये। विंडो फ्रेम गार्निश इसके ऊपर हमने लगा दी, और विंडो फ्रेम जो इसके ऊपर लगाई है ये सेम 2190 रुपये का पार्ट है, और सुजुकी का जेन्युइन इंस्टॉल हुआ ये। डोर वाइजर के ऊपर सेम माउंटेन का साइन, ये पहले इस गाड़ी में लगा हुआ था। सो ये प्रॉपर जो हमने बाकी का काम किया है वो भी आपको आप देख सकते हैं। ये डोर गार्ड 250 रुपये, 2190 रुपये की विंडो फ्रेम गार्निश, सेम 20% डिस्काउंट, और इसमें 3290 वाला मेरे पास पार्ट होता है तो उसके अंदर भी सेम 20% का डिस्काउंट है, जिसमें क्रोम लाइन लगी हुई आती है। 2250 रुपये की साइड की बिडिंग, सेम 20% का डिस्काउंट, जिसमें क्रोम लाइन है, और ये आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश इसके अंदर दी हुई है। डोर प्रोटेक्शन के लिए रहती है गाड़ी का दरवाजे का जो पार्ट है, सपोज जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो एक ये पार्ट ऐसा है जो पूरे दरवाजे में बाहर होता है, सो इसके ऊपर डेंट पड़ेगा, आपके डोर के ऊपर डेंट नहीं पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए साइड की बिडिंग लगाई जाती है। डोर एज गार्ड का भी सेम फंक्शन होता है, अगर कहीं जैसे कुछ दीवार है, वॉल है, इसके ऊपर ये वाला मेजर पार्ट है, ये भी टच होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए डोर गार्ड लगाए जाते हैं। सो इसका भी सेम पर्पज़ है, डोर प्रोटेक्शन के लिए, कोई लुक्स वाला मैटर नहीं है कि आपने लुक्स है तो आपको लगाना ही है। डोर प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा पार्ट है, सिर्फ 250 रुपये की चीज़ है ये। LXI VXI के अंदर रूफ रेल लगी नहीं आती, सो ये जेन्युइन पार्ट है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं प्रॉपर इसकी फिटिंग। सो ये भी हमारे पास रेडी अवेलेबल रहता है स्टॉक। बाकी इस गाड़ी के अंदर सिर्फ रियर में ये मिड गार्निश हमने इसके ऊपर लगाई है, और जो लगाई है सेम ये 690 की MRP वाली, और ये भी सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है। तो आजकल भाई ट्रेंड चल रहा है कि जिसको पार्ट लगाना है सब जेन्युइन लगाना है, और 100% कोशिश रहती है कि वो पार्ट जो है वो जेन्युइन लगे, मारुति का या जो भी आप ब्रांड ले रहे हैं वो भी जेन्युइन के ऊपर सारा आजकल पूरा मार्केट डाइवर्ट हो चुका है। स्पॉइलर एक्सटेंडर इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है, जिसके अंदर ये सिल्वर और ब्लैक का थीम आता है, और ये भी अपने आप में सुपर क्लास लगता है, जिसके अंदर एक शेडो आ रही है सिर्फ ब्लैक की, अदरवाइज ये प्लेन होता है तो दिखता नहीं है ये। सो इसके ऊपर भी प्रॉपर ही लगा दिया, और इसकी भी जो है 890 रुपये MRP है, सेम 20% का डिस्काउंट इसके ऊपर भी रहता है। सो काम कहाँ हुआ है? सेम कार लिबास में हुआ है। कार लिबास का जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली करमपुरा का है, और करमपुरा जो है ये मोतीनगर कीर्तिनगर मेट्रो के बहुत पास में है, और जो मेरा काम होता है सेम शेड के नीचे होता है, रोड साइड पे मेरी कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती, अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पूरा स्लॉट है गाड़ी खड़ी करने के लिए। यहाँ पर पार्किंग की कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मेन रोड वहाँ पर है, और वो भी जो है सिर्फ छोटी छोटी गाड़ियाँ स्कूटर बाइक्स आती हैं, और DLF की बिल्डिंग आप देख सकते हैं मेरे बहुत पास में है, सो DLF का कस्टमर भी हमारे पास आता है। सो ये पूरी रोड जो है ये सामने बाहर मिलन सिनेमा से रोड ऐसे आती है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आगे भी गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पे रैम से गाड़ी ऊपर चढ़ती है और अंदर आ जाती है, और उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है। सो भैया ने हमारा यूट्यूब पर चैनल
पे वीडियो देखा था कार लिबास के, और उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि मुझे काम कराना है और सेम कार लिबास से कराना है। सो एक बार मैं आपको मेन जो प्रोसेस जो मेरा जिसके लिए कार लिबास की एक पहचान है, जिसके लिए वो कार लिबास जाना जाता है, वो सेम इंटीरियर मॉडिफिकेशन के लिए जाना जाता है। सो एक बार मैं आपको चलूंगा अंदर और एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी गाड़ी के अंदर काम हुआ है। फाइनली प्रॉपर पूरी गाड़ी रेडी हो गई और फ्रंट के अंदर जो बार्स है वो मैंने आपको दिखाया, साइड प्रोफाइल दिखाई, बैक प्रोफाइल दिखाई, रूफ रेल का भी मैंने आपको प्रोसेस दिखाया जो इस कंपनी से लगकर आती है और हम इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने एंड पे। सो मेन पार्ट आपको दिखाना सिर्फ मैंने इंटीरियर का, और इंटीरियर जो हमने इसके ऊपर रेडी किया वो भी आपको प्रॉपर पूरा दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से था और कैसा ये इंटीरियर हमने रेडी कर दिया इसका। सेम डोर पैनल में आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ पे जहाँ पर हाथ रखते हैं यहाँ पर क्विल्ट का काम किया हुआ है और पूरी एकदम परफेक्शन से प्रॉपर पूरा काम किया हुआ है। एक एक चीज की आप थ्रेड वर्क देख सकते हैं, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला पार्ट नहीं है, कहीं से ये भाग नहीं रहा, कोई ज़िगज़ैग नहीं है, कुछ नहीं है इस डोर्स के अंदर। एक्स्ट्रा बेडिंग, एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन इसके ऊपर हमने किया हुआ है, और जो ये कपड़ा रहता है ये सेम ड्राई लेदर, 14,500 रुपये की सीट कवर की कॉस्ट होती है, जो अपने आप में बहुत बेस्ट चीज़ है ये। तो इसको करने के लिए सेम डोर पे प्रॉपर पूरे दरवाजे खोलने पड़ते हैं, ये सारी ट्रिम्स बाहर आती हैं, और इसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है लेदर वाला जिस पे हमने लेदर अपहोल्स्ट्री करी, इसको भी पार्ट को पूरा बाहर निकालना पड़ता है, और सेम प्रोसेस है और टाइम टेकन पार्ट है सारा। और दूसरा इसकी गाड़ी के अंदर हमने जो सीट कवर्स लगाए वो भी आप प्रॉपर पूरे देख सकते हैं। मैं उधर वाली तरफ आता हूँ एक बारी, एक एक चीज पे प्रॉपर पूरा ध्यान दिया गया है, हेडरेस्ट की फिटिंग, पीछे स्टैंडिंग रूलिंग, ऊपर और नीचे क्विल्ट का काम, साइड में ये पैटर्न, हर एक चीज पे प्रॉपर पूरा वर्क किया गया, प्रॉपर पूरा ध्यान दिया गया हर एक चीज पे, एकदम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे आपको लग रहा हो कि। सो सारी चीजें एकदम स्टिल बेस्ट और गाड़ी सेम ZXI गाड़ी के अंदर आज हमने सेम इंटीरियर का प्रॉपर पूरा काम कर दिया और काम जो किया सेम आपके सामने लग्जरी, पूरी एक एक सीट की स्टिच और उसके पैटर्न हर एक चीज़ पे पूरा ध्यान दिया गया है। ये पैटर्न यहाँ पर, ये पैटर्न, इसके बाद ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये वाले पार्ट्स, थाई सपोर्ट और सेंटर की जो क्विल्ट पार्ट है, ये स्टैंडिंग रूलिंग, हर एक चीज़ पे प्रॉपर पूरी वर्किंग की गई है, हर एक चीज़ पे प्रॉपर पूरा ध्यान दिया गया है। सीट के डिज़ाइन और सीट का पैटर्न आपके सामने है, कोई ऐसा कुछ पार्ट नहीं है जो इसमें कोई लेफ्ट राइट जा रहा हो, इवन एक एक क्विल्ट का प्रॉपर पूरा ध्यान दिया गया, हर एक का जो डायमंड शेप का जो पैटर्न है वो हर एक पे, मतलब अपने आप में बेस्ट चीज़ है यार ये। स्टैंडिंग रूलिंग सेम, नीचे क्विल्ट का काम, साइड में ये पैटर्न और सीट कवर्स प्रॉपर पूरे रेडी। ये सेम जो सीट कवर्स हैं ये लूज कवर नहीं है, ये सिर्फ पूरे कस्टमाइज सीट कवर्स हैं, कस्टमाइज के लिए पूरी सीट्स को बाहर निकालना पड़ता है, इसके बाद इस कपड़े को बाहर निकालना पड़ता है, कहीं पर ये खींचने वाला पार्ट नहीं है, कहीं से ये लूज नहीं है, कहीं दिख रहा है आपको, ये एकदम पूरा पेस्टेड है, प्रॉपर पूरा चिपका हुआ है, जिस तरीके से कपड़ा उसमें लगा हुआ आता था सेम उसी तरीके के पैटर्न है ये। सेंटर आर्मरेस्ट लगाया इसके ऊपर हमने, 3,000 रुपये इसकी कॉस्ट, देन उसके बाद सेंटर आर्मरेस्ट के ऊपर कपड़ा लगाया, 1,000 रुपये इसकी कॉस्ट। इसकी भी आप थ्रेड वर्क देखो, 100% सील, एकदम बेस्ट। सो बहुत जल्दी मैं बहुत सारे डिज़ाइंस लेकर आने वाला हूँ नए, जिसमें कस्टमाइज सीट कवर्स हैं और सेमी बकेट सीट्स हैं, इवन कस्टमाइज से भी ऊपर एक प्रोडक्ट मेरे पास आने वाला है जिसकी रेंज रहेगी 14,500 18,000, और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे नए नए कलर्स लेकर आऊँगा, उसके पैटर्न्स हैं, डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। सो इस तरीके से प्रॉपर पूरा आपने काम कराना है और काम कराना है सेम कार लिबास में। कार लिबास का जो मेरा एड्रेस है वो करमपुरा का है और 8225 मेरा शॉप का नाम है, नंबर है, और करमपुरा दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली जो है ये होती नगर कीर्ति नगर मेट्रो के बहुत पास में मेरा एड्रेस। स्टीयरिंग के ऊपर प्रॉपर पूरा वर्क किया गया है, स्टीयरिंग की भी अब एकदम थ्रेड वर्क का प्रॉपर पूरा आपको दिखाता हूँ मैं, पूरा एकदम पैटर्न एकदम बेस्ट, हर एक चीज़ पूरी स्टिचिंग, ब्लैक के साथ गोल्डन का थ्रेड यूज़ किया गया है, और इसमें ये जो मैंगो कलर हमने यूज़ किया है कपड़े का और ड्राई लेदर में, ये भी अपने आप में बहुत क्लास लग रहा है। सो सारी चीज़ें स्टिल इसके ऊपर बेस्ट हैं। सनग्लास होल्डर लगाना चाहो, सनग्लास होल्डर भी हमारे यहाँ लग जाता है, और मैंने कल भी ये गाड़ी की वीडियो डाली थी, उसके अंदर हमने इंस्टॉल किया ही है LXI गाड़ी के अंदर। सो अपनी चीज़ अपनी तरफ से सारे 100% प्रॉपर पूरे बेस्ट काम करके दे रहे हैं हम।
और बाकी एक बार आपने कमेंट में बताना है कि आपको काम किस तरीके का लगा, कैसा लगा। सेम ड्राइवर सीट के साथ आप बैक सीट का भी पूरा देख सकते हैं, पीछे जो इसके बैक सीट में हमने लगाया वो सेम हमने यहाँ पर इसके बैक पॉकेट हमने इंस्टॉल कर दी, जिसके अंदर बैक के अंदर ये पॉकेट बनी हुई नहीं आती वो भी प्रॉपर इसके ऊपर इंस्टॉल कर दी हमने और काम किया सेम एकदम लग्जरी एकदम बेस्ट। सीट का पैटर्न, सीट की डिजाइनिंग सारी एकदम बेस्ट। हेडरेस्ट इसमें कंपनी फिटेड आते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट इसमें कंपनी फिटेड आता है। LXI VXI वाले ने, किसी गाड़ी ने, भाई ने इसमें आर्मरेस्ट लगवाना है तो हमारे पास सेम आर्मरेस्ट इसके ऊपर इंस्टॉलेशन आप करा सकते हैं। सीट की क्विल्टिंग, सीट का डिज़ाइन, डोर के पैटर्न सारे एकदम लग्जरी एकदम बेस्ट और काम हुआ सेम कार्लेबाज में। काम का तरीका एकदम स्टिल बेस्ट और काम करने का जो पैटर्न और जो टाइमिंग्स है वो सारे हमारे बेस्ट हैं। कस्टमर ने ये डिज़ाइन जो था और जो कपड़े का पैटर्न था, कलर था, सारा पहले डिसाइड किया हुआ था और एडवांस पे पूरी बुकिंग थी इनकी, पैसे इन्होंने एडवांस दिया था मुझे कि भैया मैं जिस दिन आऊँगा मेरे सुबह हूँ और मैं शाम को वापस चला जाऊँ, और ये प्रॉपर पूरा काम हो गया। तो एक बार मैं कस्टमर के पास भी चलता हूँ, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं किस तरीके से सोच के आए थे और कैसे उनको काम मिला। भैया हमारे साथ हैं, पहले आए थे मेरे पास, सारी चीज़ डिसाइड करके गए थे, कलर डिसाइड किया, पैसे डिसाइड किए, एडवांस दिया और आज प्रॉपर भैया गाड़ी का काम हो गया। थैंक यू भैया आपका आने का बहुत बहुत। प्रॉपर नाम? प्रिंस। प्रिंस भैया हमारे पास आए, कौन सी जगह से आए हो आप? लाजपत नगर दिल्ली। लाजपत नगर से आए, बताओ इतनी सारी, इतनी बड़ी मार्केट है वहाँ पर और मूलचंद पूरा भरा हुआ है और बड़ी सारी मार्केट है जिसमें ये सारे काम होते हैं, तो थैंक यू सर आपका बहुत बहुत। एक छोटा सा, पूरी मार्केट घूमे थे मूलचंद और लाजपत नगर की, हाँ, लेकिन ऐसी क्वालिटी वाले आइटम मिले ही नहीं वहाँ पे। प्राइसिंग की तो चलो कोई बात नहीं, आप जब कोई भी काम करवाओगे, चीज लगवाओ तो पैसे तो थोड़े ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, हाँ, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बार चीज लग जाती है तो फिर वो सालों साल लगने वाली बात है, हाँ, आप ये एक हाथ बार वाली बात नहीं है, दो महीने बाद वो तो ऐसा सिस्टम है नहीं। खैर तो काम आपकी तरफ से बेस्ट हो गया? काम बिल्कुल बेस्ट हुआ है। वैसे जब भी आओ यहाँ पे टाइम लेकर आओ और अकेले मत आना, हाँ। किसी को लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे सब बिजी रहते हैं, हाँ। थोड़ा बहुत घूम फिर लोगे, बातें कर लोगे, अकेले रहोगे तो बोर हो जाओगे। बोर हो जाओगे सारे दिन भैया, सारे मतलब सुबह आए थे और अब 8:30 बज गए। सही बात है कि टाइम लेकर आओ और साथ में मतलब अच्छा काम कराना है। वैसे काम यहाँ पे भरोसे वाला ही है, कोई ऐसे रोड साइड पर काम हो नहीं रहा, भले यहाँ पे छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात होती है नई गाड़ी है, हाँ। छोड़ने का भी मन नहीं करता, पर कोई बात नहीं, टाइम लग जाएंगे, बैठे रहेंगे, हाँ। बस उसी लिए हम भी रुके नहीं। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। सो काम हो गया बेस्ट और कमेंट्स में आप जरूर बताना काम आपको ये कैसा लगा, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। सो करता हूँ वीडियो को एंड, थैंक यू।